अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? इस फ़ोन को मैंने भी थोड़ी बहुत ट्राई करी है, और भी बहुत सारे भाइयों ने ट्राई करी थी, पर इसमें पंगा क्या है भाई मेरे? इसमें FRP है, ठीक? जहाँ से यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख लेना, ओपन सेटिंग, Opening settings. ये है टेक्नो BF7। ओके, तो इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लगना है, कस्टमर को भी जल्दी है। तो BF7 जब आप गूगल सर्च करते हो, ठीक है, गूगल सर्च जब आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ़ोन है इसका सीपीयू है MT की, ठीक। अब मैं इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमने जाना है टेक्नो पे, यहाँ पे BF7 आपने सर्च करना है, ठीक। ये आ गया नीचे वाला, ये टेक्नो स्पार्क गो 2023 BF7 है, MT की है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, हम सीधा ही MediaTek फोल्डर पे चलते हैं, और यहाँ से इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखता हूँ मैं टेक्नो है इसमें या नहीं। वर्जन 2, वर्जन 3, टेक्नो, आईटेल टेक्नो, यहाँ पे वर्जन 2 पे क्लिक करके मैं बूट डिवाइस कर रहा हूँ। बूट डिवाइस जब कर लेंगे ना मेरी जान, उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन में दबा के रख रहा हूँ, और USB को इन कर, ठीक है, कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा मेरे को क्या करना है। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, अब यहाँ पे मेरे को इरेज FRP करनी है, ठीक। इरेज FRP करने के बाद यहाँ से होना चाहिए, इसने फेल भी कुछ बता दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे प्री लोडर पे, यहाँ पे मैं टेक्नो वर्जन 1 पे लेके आ जाऊँगा मैं, ओके हो गया, और यहाँ पे बूट डिवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर कनेक्ट होता तो ठीक है, नहीं तो दोबारा रिबूट करके मैं कनेक्ट कर लूँगा, ठीक। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फेल आ गया। अब मैं क्या कर लूँगा, बूट डिवाइस पे फिर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे USB को निकाल के, उसके बाद मैं तीनों बटन दबा के रख रहा हूँ मैं, रिबूट होना चाहिए, मैं वॉल्यूम अप डाउन से चेक कर लूँगा, ठीक। तो ये मैंने ऑन ऑफ स्विच हटा दिया, यहाँ पे भी इसने फेल बता दिया। अब मैं क्या कर लूँगा, प्री लोडर पे क्लिक करके मैं टेक्नो वर्जन 3 पे क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्ट, और इस पे दबा के रखूँगा, सबसे पहले फ़ोन रिबूट होना चाहिए हमारा, उसके बाद मैं बूट डिवाइस पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। बूट डिवाइस पे मैंने क्लिक करा और फेल नहीं आना चाहिए, फेल आ रहा है, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं वर्जन 1 पे, वर्जन 1 पे क्लिक करके एक बार क्या फ़ोन हमारा रिबूट होना चाहिए, उसके बाद तीनों बटन मैंने दबा के रखे, और वॉल्यूम अप डाउन मैंने दबा के रखा है, ऑन ऑफ को छोड़ दिया, मैं तीनों बटन दबा के रख रहा हूँ क्योंकि ये रिबूट होना चाहिए, फिर ऑन ऑफ को मैं छोड़ के ना, ये आ गया रिकवरी पे, मुझे स्विच ऑफ करना है फ़ोन को, तीनों बटन दबाए, जब ये हो जाएगा सो उसके बाद मैंने ऑन ऑफ को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी फेल आ गया मेरे भाई, ये मैं हटा दूँगा, मैं टेक्नो पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इरेज FRP प्री लोडर इसने बता दिया, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सही है ना, फेल बता रहा है वर्जन 1 पे। यहाँ पे ये इसकी फाइल जो है कौन सी मांग रहा है, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इरेज FRP कर रहा हूँ मैं, पर ये पता कौन सी, रेडमी 13C यहाँ पे फाइल आई है,
यहाँ पे मुझे फाइल इसकी लानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फेल आ गया। टेक्नो कौन सा है ये? B F7, B F7। MT6761 ये आ गया। ठीक, अब मैं इसको एक बार रिबूट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, जब ये हो जाएगा मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे FRP पे। तीनों बटन दबा दिए मैंने, मैंने CPU के हिसाब से यहाँ पे लगा दिया ये। ये देख लीजिए FRP का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं खुद हो जाएगा या नहीं हुआ तो खुद करना पड़ेगा रिबूट, या खुद भी हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे एरर आ रहा था। कहाँ पे? यहाँ पे भी एरर आ रहा था, यहाँ पे भी। फिर हमने डाब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आपने देखना है मॉडल आपको मिलेगा ही नहीं, MT6761। ठीक है, MT6761। उसके बाद आपने यहाँ पे जब जाओगे ना, ये डाट डालोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो ये CPU है, टेक्नो इन्फिक्स लिखा है, फिर MT के 6761, ये इस मॉडल के लिए। जैसे MI के लिए आपको मॉडल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। टेक्नो के लिए CPU दिखेगा आपको, ठीक है। रेडमी के लिए मॉडल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए। तो ऐसे होता मेरे जान, ठीक है ना। तो FRP का काम ख़त्म। अभी ये जो है, इससे सेटिंग खुल जाती थी तो हुआ ही नहीं था। सही बात बता दूं, आपके सामने कस्टमर बैठे यहाँ पे, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो विदाउट PC भी हो जाता है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब कस्टमर को जल्दी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर हम फिर किसी टूल से जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं। क्या ख्याल है? तो ये देख लीजिए, ये हो गया FRP। अब मेरे को ये नहीं पता इसमें एंड्रॉयड वर्जन क्या है, पैच कौन सा है, ये मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। सेटिंग तो खोल सकता था मैं, पर मैंने चेक नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OS वर्जन इसमें 12 है, यहाँ पे देखो ना, HiOS वर्जन लिखा है 12.0.0। तो अब मेरे को नहीं पता, यहाँ पे भी लिखा है एंड्रॉयड वर्जन 12, नीचे जाके देख लीजिए आप, वहाँ पे भी 12 दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारा फ़ोन ओपन हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कभी कभी। मैं ऐसे ही जो मुझे पता होता मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, जो चीज़ मेरे को नहीं पता होती है ना, उसको आपके सामने मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप जाइए, माई फोन्स पे जाओ, यहाँ पे देखो वर्जन 12.0.0 है। टेक्नो स्पार्क गो 2023 लिखा है, टेक्नो BF7 है, ठीक, एंड्रॉयड 12 है, CPU A22। यहाँ पे देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है ना मेरी जान। तो उम्मीद करूँगा आपको ये जो वीडियो क्लिप है थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे बता सकते हो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।